चल टार्जन। ओ शिट 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 ओ शिट 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 गिर गया। इतनी बड़ी स्पीड है, नहीं हो रही है। देखो ये स्किल होते हैं भाई, बार बार मैं कहता हूँ भाई, मैटर नहीं करती अगर आपके यहाँ स्किल है तो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू फ्रेश वाला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज हम जाने वाले एरेबल को एक्सप्लोर करने वाले। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालेंगे। आज के बाद हम कंटिन्यूअसली वीडियो डालते रहेंगे, बट वीडियो देखने से पहले जो भी आज हमारे यूट्यूब पर नए आए तो प्लीज हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे फेसबुक पेज को कीजिए फॉलो। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, हम निकल चुके हैं अपने घर से एरेबल की ओर। सबसे पहले हमने जो अपनी टार्जन के अंदर जो है टैंक पेट्रोल को फुल करवा दिया है, और आप देख सकते हो रोड के दोनों साइड में बहुत ज्यादा बर्फ है। एंड जितना जितना ऊपर जाता जाएंगे उतनी ज्यादा जो बर्फ है वो बढ़ती जाएगी, और जो सर्दी है वो एक्सट्रीम लेवल की सर्दी है। सच्ची में यार, जो मेरे हाथ है ना वो सुन्न हो रहे है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंजगाम, और यहाँ पे जो है बर्फ जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना जो है बर्फ वो बढ़ता जा रहा है, और रोडों के ऊपर भी बर्फ बहुत ज़्यादा है। स्कूटी को चलाना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बट कहते हैं ना कि बाइक इज़ नॉट मैटर बट स्किल इज़ मैटर, वही यहाँ पे काम आते हैं। वेलकम टू हरिबल। सो फाइनली हम एंटर कर चुके हैं हरिबल के अंदर। तो ब्लैक आइस है पूरी जमी हुई है, अभी मैं चल रहा हूँ ब्लैक आइस के ऊपर। अलग ही लेवल का मजा आ रहा है, अलग ही लेवल का। पूरा जो है ना पीछे जमा हुआ बर्फ है यार, एक्सट्रीम लेवल का मजा आ रहा है, एक्सट्रीम। यहाँ से जाऊंगा तो चांसेस है गिरने के। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एरेबल। आप देख सकते हो टूरिस्ट भी आए थोड़े बहुत, बट अभी उतने लोग नहीं आई। जो हमारी स्कूटी वो हमने उधर टार्जन हम इसको यूं ही नहीं कहते, टार्जन कहीं भी चल जाती है, चाहे बर्फ हो पहाड़ हो कुछ भी हो, टार्जन को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये है नीचे वाटरफॉल है, वाटरफॉल बोले तो झरना, झरने के पास जाएंगे। वो चल रहा है एहसान उल हक भाई, और मैं चल रहा हूँ इसके पीछे पीछे। तकरीबन हम पिछले साल आए थे जनवरी में, तो उस टाइम पर भी सर्दी उतनी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो जो चिलाई कलान है वो ख़त्म हो जाता है, बट अभी जो चिलाई कलान है वो शुरू हुआ है, इसकी वजह से जो है सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। चलिए हम चलते हैं सीधा वाटरफॉल के पास, मिलते हैं। ये है एहसान भाई। एहसान भाई हो, आज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मजा आने वाला है। एहसान भाई को, एहसान भाई के हाथ जो है ना वो सर्दी से सुन हो रहे थे, इसके चक्कर में एहसान भाई को मैंने बताया तो एक काम कर, जो इसके जैकेट की पॉकेट से उन पॉकेट्स के अंदर तू हाथ रख ले, तेरे हाथ जो है वो गर्म रहेंगे। A few moments later. क्या लग रहा है हसन भाई? बहुत ही मजा। अच्छा, हाथ सुन हो रहे हैं सर्दी से। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मजा आने वाला है। देखो यार, पहाड़ कितने जच रहे हैं ना, जब इन पे हल्की फुल्की बर्फ जो है पहाड़ों के ऊपर जो गिरी हुई है उसकी वजह से जो ये पहाड़ बहुत ज्यादा सुंदर लगते है ना, कि इनपे चार चांद लग जाते हैं। आप देख सकते हो वो जो है आगे वाटरफॉल है, हम अब वाटरफॉल के पास जाएंगे। चलो एहसान भाई। एहसान भाई को मैंने कहा था यार चलो निकलते हैं, बट एहसान भाई क्या करता है कि बोलता है यार नहीं ना, 2 बजे जाएंगे या फिर कल जाएंगे। बट मैंने बोला यार मेरे को जब प्लान आता है मैं उसी टाइम पे जाता हूँ, आना है तो आ, वरना मैं अकेला जाऊँगा। बोला चलो थोड़ा बहुत इंतज़ार कर ले, मैं आता हूँ, निकल जाएंगे फिर अपनी मंजिल की ओर, एरेबल की ओर। अब हम जो सीढ़ियाँ है, सीढ़ियों को यहाँ से उतरने में अलग ही मजा आता है, जब वहां से वापस आते हैं ना तो सांस फूलने लग जाती है। बर्फ देखो यार, बर्फ देखो कहाँ से छोटे छोटे झरने बहते। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल के पास। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा वाटरफॉल बहता हुआ जा रहा है, बट आजकल इसके अंदर जो है पानी की लेवल बहुत ज़्यादा कम है। समर्स में इसकी लेवल बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती है, अभी उतनी बर्फ नहीं पड़ी है, इसी के चक्कर में इसका जो वाटर लेवल है वो कम है। टार्जन चढ़ टार्जन। शिट शिट शिट, देखो बर्फ कितनी है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा टार्जन को लेने की। चढ़ टार्जन,
चढ़ टार्जन। शिट यहाँ से आगे नहीं चढ़ रही है, फंस गई, सिकिट कर रही है बहुत ज्यादा। टार्जन जो है बहुत ज्यादा सिकिट कर रही है यहाँ पे। बस स्कूटी चलाने का अलग ही मजा आता है गाइस। देखो बर्फ कितनी है, इस तरफ कोई गया ही नहीं है। हम पहले राइडर्स हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, वो भी स्कूटी के ऊपर। अलग ही मजा आता है यार, अलग लेवल का पैशन है। चल चल टार्जन छोड़। और अभी जो स्कूटी की रफ्तार है ना, वो बहुत कम है। ये टार्जन यू ही नहीं है गाइस, जिसको टार्जन में इसलिए कहता हूँ कि हर जगह पहुंच जाती है। देखो नीचे जो ब्लैक आइस है बहुत ज्यादा है। शिट शिट शिट, गिरने वाले थे बाल बाल बच गए। बट बाइक पूरा एक एक्सट्रीम लेवल पे, अलग ही मजा आता है यार। ये देखो वाह, क्या पहाड़ जच रहे हैं। आई डोंट नो, हम गिरने वाले हैं। गिर गए। चल टार्जन चल। गिरना नहीं है टार्जन। शिट, टार्जन चल। टार्जन को बर्फ में लेके जा रहा हूँ। चल टार्जन। ओ शिट 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 शिट, ओ शिट शिट शिट, गिर गया टार्जन। टार्जन यहाँ पे गिर गई, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा पत्थर आया था, ये जो है इसके ऊपर टायर चला, वो टार्जन जो है हल्की सी सिकीट होके गिर गई। चलो कोई नहीं, फिर से टार्जन को स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ टूटा तो नहीं। देखो ये स्किल होते हैं भाई, बार बार मैं कहता हूँ बाइक मैटर नहीं करती। अगर आपके पास स्किल है तो, अगर आपके पास स्किल है आप आराम से गाड़ी को चला सकते हो स्किल होने के बावजूद। बट अगर आपके पास स्किल नहीं, आप स्कूटी को कहीं भी नहीं ले सकते हो। सिकिट हो रहा है यहाँ पे, बट आगे का रास्ता पता नहीं कैसा होगा। ये वाला रास्ता जो है वो शोपियान की तरफ जाता है, बट हम जो है, ओह शिट, हम आए उधर से। अब यहाँ पे देखते हैं चढ़ाई है, थोड़ी बहुत चढ़ पाएगी टार्जन की नहीं। टार्जन भाई की इज्जत का सवाल है। टार्जन चढ़ना, तेरा नाम यू ही मैंने टार्जन करके नहीं रखा है यार। तू तो मेरी लेला है, लेला तो मेरी जाने मन है, जाने मन। जहाँ जल जाता है ना वहां लेके जाता हूँ तेरे को। चल टार्जन, अलग ही लेवल का मजा है, अलग ही लेवल का फन है इस रोड के ऊपर। शिट, अगर खुदा ना खाता यहाँ से गिर जाएंगे ना। ओह शिट, आवाज फूलने लगी। अब रास्ता देख सकते हो, कोई भी इस रास्ते के ऊपर नहीं चला है। शिट 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 शिट, ओह शिट शिट शिट, दो बार गिरे, एक्सट्रीम बर्फ है, फिर भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो भी कुछ गया भाई, बीते डायरेक्ट या शुभ गया बढ़िया से आदो ये तो परसर जी शियन है ना मास चुना। ये कहाँ चाहो मैं सिक्योरिटी बड़ी पर हैं टार्जन जो है ठंडी ज्यादा हो रही है। राहत सोहेल करे सर, राहत सोहेल बस। तो भाई लोग यहाँ पे मिले, भाई लोगों से हमने बातचीत करी, तो भाई लोगों का कहना है कि आज तक यहाँ पे कोई भी स्कूटी लेके नहीं आया है। पहले बंदे तुम हो, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो, पहले बंदे तुम हो जो यहाँ पे लेके आए है। एक्सट्रीम एक्सट्रीम ज़्यादा है, और एक्सट्रीम लवर का एडवेंचर हो रहा है अभी। कम से कम पिछले 10 किलोमीटर में ऐसे ही चल रहे बहुत। ओ शिट शिट शिट, आगे रास्ता नहीं है, हम इस पे चलते हैं। ये नरम बर्फ है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, मोशन ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम इसके ऊपर चलते हैं।
तो आगे हम शोपियां के अंदर एंटर करने वाले हैं। अभी तकरीबन यहाँ से शोपियां 10 किलोमीटर है। तो गाइस इस वीडियो को करते हैं वहीं पे एंड, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को कंटिन्यूसली खींचता रहूँगा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हो सके तो मैं इसका पार्ट टू भी बनाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे पास उतनी शॉट्स होंगे तो। अगर आज ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ एहसान भाई भी कुछ आपसे बोलना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो और फेसबुक पेज भी फॉलो करिए। देखा गाइस इतनी मेहनत हमने की, वो रही हमारी टाजन और हल्की फुल्की स्नोफॉल शुरू हो गया। इसके चक्कर में इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।